मैं करने वाली हूँ फेशियल एट होम, बाहर नहीं जाना है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने. फर्स्ट, अभी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि इतना टाइम किसी के भी पास नहीं है बैठ के 2-4 घंटे जाके पार्लर में वेस्ट करे. हो गया, अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आपके पास और टाइम नहीं है, अगर आप हाउस वाइफ है तो फिर भूल ही जाए कि आपके पास टाइम है ना. मेरी स्किन आप देख लें, पहले से बेहतर है बट स्टिल नहीं है, बहुत डल लग रही है मुझे. सो आई वॉन्ट कि मेरे फेस पे एक गोल्डन ग्लो आ जाए, तो इसलिए मैंने खरीदी है यहाँ पे पॉन्स की फेशियल किट. आई थिंक दिस इज़ न्यू लॉन्च गाइस, आई एम नॉट श्योर, पॉन्स मैंने इससे पहले इसको नहीं देखा. ये वाला पॉन्स, मैंने पॉन्स का जो फेशियल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने उसका क्ले मास्क जो है मैंने वो भी शेयर किया है, बट ये मैंने नहीं देखा है, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है. और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे नहीं मिला है कोई कि जिस किसी ने इस पे वीडियो बनाई हो. सो मे बी दिस इज़ न्यू लॉन्च. और गाइस इसको कर लिया है मैंने ओपन, तो कुछ ऐसा सा बॉक्स है, बहुत यू नो अट्रैक्टिव काइंड ऑफ बॉक्स. इसका बॉक्स देख के आपको मन करेगा कि मैं ले लेती हूँ. ठीक है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है होम फेशियल किट, होम फेशियल आप घर पे कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखा है पॉन्स फॉर्मुलेटेड बाय द पॉन्स इंस्टीट्यूट गोल्ड ब्यूटी. अगेन लिखा है गोल्डन रेडियंस फेशियल किट 6 स्टेप फेशियल 4 रेडियंस ग्लो. सो इसमें आपको 6 स्टेप मिलते हैं गाइज, नॉर्मली फेशियल में 5 स्टेप्स ही होते हैं बट इसमें 6 स्टेप हैं जो कि बहुत अच्छी बात है. पॉन्स ग्लो क्लिंजर देन स्क्रब देन नरिशिंग क्रीम देन मसाज क्रीम देन पील ऑफ मास्क. पील ऑफ मास्क मीन्स ग्लो देगा ही देगा. एंड लास्ट में आपको फिनिशिंग क्रीम. ओके, सबकी क्वांटिटी आपको जो क्लेंजर है उसकी क्वांटिटी आपको 20 ml मिलती है, स्क्रब है 12 है, जेल क्रीम है वो 12 है, स्किन क्रीम है वो 12 है, नेट पील ऑफ मास्क भी 12 है और फिनिशिंग क्रीम वो भी 12 ग्राम ही मिलती है. और इसका जो प्राइस है 399 मीन्स 400 है, बट लिया है मैंने इसे पर्पल से और मुझे 315 और 16 की मिली है. 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है. यहाँ पर सब कुछ उन्होंने मैंशन किया हुआ है. स्टेप 1 क्लेंजिंग, आपने अपने फेस पे क्लेंजिंग करनी है, देन स्क्रब. इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपने कैसे कैसे इसको यूज़ करना है. ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको हम ओपन. बस आप देख लिए इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी सी है, बहुत ही प्योर सी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ पैकेजिंग है जो बहुत अच्छी बात है. और सब पे इन्होंने स्टेप्स मेंशन किए हैं और जो ये है ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है. यूट्यूब फॉर्म में हम इसे 1-2 जितनी बार भी यूज़ करेंगे बट ये ठीक रहेगा. जो स्ट्रेसेस में आते हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं, उनको अब दोबारा यूज़ करने का मन नहीं करता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ होते हैं, बट इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है. स्टेप 5 है पील ऑफ मास्क, इस पर भी इनकी क्वान्टिटी, इसकी शेल्फ लाइफ और सब कुछ मेंशन है जो कि बहुत अच्छी बात है. ये एक हमारा छोटू सा क्लेंजिंग का बॉटल है, आप देख ले कितना मज़ा आ रहा है इसको देख के. सो हम फेशियल करते करते बात करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. आई थिंक वेट करने की ज़्यादा अच्छी क्लेंजिंग होती है. सो गाइज मैंने इतना ले लिया है, आप देख लें. और एक बिल्कुल ना मिल्क की तरह लग रहा है, जो क्लेंजिंग मिल्क होती है ना बिल्कुल सेम वैसा. तो गाइज मैं सजेस्ट करूँगी आपको, जब भी आप फेशियल कर रहे हैं ना, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत आराम आराम के साथ और हर स्टेप को एटलीस्ट 5 मिनट्स दें, तभी आपके फेस पे ग्लो आएगा. एंड वन मोर थिंग गाइज, फेशियल जब हम करते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप इवनिंग में या फिर नाइट में करें, बिकॉज जब सोते हैं सुबह उठते हैं ना तो फिर एक बहुत मज़े का ग्लो आपको दिखता है. फर्स्ट, सेकंड, जब हमने फेशियल कंप्लीट कर लिया होता है तो हमें अपने फेस पे ना कोई ऑनेस्टली कोई ग्लो नहीं दिखता है, जस्ट हमें अपनी जो फेस है, हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड यू नो क्लीन लगती है, हाइड्रेटेड लगती है ना. उसके नेक्स्ट डे ही समझ में आता है कि हमारे फेस पे ग्लो आया है कि नहीं आया, जो एक्चुअली हम अगर हमने गोल्ड फेशियल किया है तो गोल्ड आया है, अगर डायमंड किया है तो डायमंड आया है, वो हमें एक रात के बाद ही देखने मिलता है. ठीक है, सो मैं अभी फेशियल कर रही हूँ गाइस, मैं अपना मॉर्निंग में जो मेरा फेस होगा उसकी मैं क्लिप ज़रूर से डाल दूंगी, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा इसने मुझे ग्लो दिया है कि नहीं दिया. और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. बस स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है, मैंने अपने फेस को वॉश नहीं किया है, जस्ट मैंने क्रीम को अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया है और मैं अभी वॉश नहीं कर रही हूँ. हम स्टेप 2 स्क्रब करने के बाद अपने फेस को क्लीन करेंगे. एंड आप देख लें, वाओ कितना मज़े का लग रहा है फेस, है ना. ठीक है, तो स्टेप 2 है हमारा स्क्रब. अगेन अपने फेस पे 2-3 ड्रॉप्स वाटर के डालने हैं, देन स्क्रब करना जो नॉर्मली हम करते हैं.
गैस की स्मेल की बात करूँ तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, यू नो, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, आप उसको हैंडल कर लेंगे। गैस मैंने इतना ले लिया है, आई होप इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें परेशान ना करें। अगर उसने मुझे परेशान किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने अपने फेस को वेट कर लिया है और अब हम स्क्रब करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गैस के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हार्श नहीं है कि आपको करने में प्रॉब्लम हो। तो अगेन थम्स अप, वी आर स्क्रब कर रहे हैं। मेक श्योर कि जो अंडर आई है बहुत लाइट हैंड से वहाँ पे जाएं, बिकॉज वो स्किन बहुत ज़्यादा यू नो सॉफ्ट होती है अगर हम और फेस के से कंपेयर करें तो। और हमेशा अपने हैंड को जब स्क्रब कर रहे हैं हमेशा उसको वेट रखें, ड्राई कभी भी नहीं होने दें। स्क्रब को कभी भी यू नो स्किप ना करें, क्योंकि वही हमारे फेस की जो स्किन डेड सेल होती है ना, जो डेड स्किन जो आ जाती है उसको रिमूव करता है, और जो ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं उनको तो करता ही है। सो आप स्क्रब को कभी भी यू नो स्किप ना करें। मैंने फेस को वॉश करके ओके गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड कैन यू सी द डिफरेंस इन माई स्किन जब मैं बैठी थी एंड अब। और अभी हमारा जस्ट 2 स्टेप हुआ है, मेरी नोज कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है, मीन्स सब कुछ गंदा वाला सब निकल गया है हमारी स्किन से। और गाइस जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं अच्छे से अपने फेस को वॉश करें, इतना सा भी कुछ भी अगर आपके फेस पर रह गया ना उसके बाद जब आप मसाज करेंगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, और आपसे मसाज आपकी स्किन की होगी ही नहीं, बिकॉज वो बहुत यू नो फील होगा आपकी स्किन पे। गुड स्क्रब है हमारा नरिशिंग क्रीम, ठीक है, तो आप कर लेते हैं, आप देते हैं अपने फेस को नरिशमेंट। ओ वाओ, बिल्कुल ऐसा सा है जैसे सिरम होता है ना वैसे देंगे इसको, बहुत आराम से सुकून से मसाज अपने स्किन को। सो गाइस मैंने अच्छे से क्रीम को एब्जॉर्ब करा लिया है अपने स्किन के अंदर, कॉज इन्होंने कहा है इसको वो अच्छे से अपने फेस में एब्जॉर्ब कराना है, वॉश नहीं करना है। सो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4, मसाज क्रीम। तो अगेन हम देंगे अपने फेस को मसाज। और राइट गाइस, अभी मेरे को बड़ी मज़े की फीलिंग आ रही है, ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरी स्किन को देख के। इसको हमें वाटर के साथ मसाज करनी है अपने फेस की, तो मैं थोड़ा सा वाटर लूँगी अपने हैंड पे। उन्होंने कहा है कि सर्कुलर मोशन में आपने बहुत लाइट हैंड के साथ मसाज देनी है, उसको ड्राई नहीं करना है, वेट वाइप या फिर आप वाटर के साथ वॉश भी कर सकते हैं। तो पहले हम देते हैं मसाज, उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। तो गाइस जब आप सारे स्टेप्स कर रहे होंगे ना, तो जहाँ पे लगता है कि आपको टैनिंग ज़्यादा है या फिर आपका वो एरिया ज़्यादा यू नो आपकी स्किन से ज़्यादा ब्लैक है, तो उस वहाँ पे ज़्यादा आपने फोकस करना है। ओके, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का नोज़ एरिया होता है, किसी के चीक्स होते हैं, तो मेक श्योर उस एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो गाइस मैंने मसाज दे दी अच्छे से, ये मेरा वेट वाइप, तो हम इससे ही अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। सो गाइस हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और आप चाहें तो एक बार वॉश भी कर ले, मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। सो 5 स्टेप है हमारा पील ऑफ मास्क। तो गाइस पील ऑफ मास्क लगा तो लें, उसको ना रख के वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट चाहिए तो क्या कर सकते हैं। ओह वाओ, कैन यू सी, हम बहुत ही थिन लेयर लगाएंगे जिससे हमें ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े, और बहुत छोटे छोटे शीन हैं गोल्डन कलर के, आपको दिख ही रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस मैंने इसको बहुत अच्छे से लगा लिया है, अब हम हंसेंगे नहीं, हंसेंगे तो लाइंस आ जाएंगी। हम हमेशा आपको भी फेस मास्क या क्ले मास्क लगा रहे हैं, आपने कम बात करना है और हंसना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं नहीं हंस रही हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है सूखने में, और उसको लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। 1 जो है हमारा क्लेंजिंग पोन्स गोल्डन ग्लो क्लेंजिंग विद, इसमें विटामिन ई है, आपकी स्किन को क्लींस करेगा जेंटली। स्टेप 2 है हमारा स्क्रब, उसमें वो इनरीच विद वॉलनट शेल पाउडर, जो वॉलनट होता है स्क्रब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये हमारा नरिशिंग क्रीम पोन्स गोल्डन नरिशिंग क्रीम विद विटामिन B3 एंड विटामिन ई, मैं जैसे नहीं बोल पा रही हूँ बिकॉज हमारा फेस पैक ड्राई हो रहा है, बट स्टिल मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें विटामिन B3 एंड विटामिन ई है, जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगी, ठीक है। स्टेप 4 है हमारा मसाजिंग क्रीम,
उसमें बहुत कुछ है गाइस, उसमें है ग्लिसरीन, विटामिन ए, विटामिन ए। स्टेप फाइव है हमारा पील ऑफ मास्क, अगेन इसमें इन्फ्यूज विद गोल्डन पार्टिकल्स जो है, इट हेल्प्स टू रिमूव ब्लैक हेड्स टू ब्राइटनिंग योर स्किन। जो हमारा जो ब्लैक जो फी पील ऑफ मास्क मैंने लगाया है वो आपके ब्लैक हेड्स को जो अंदर है उनको बहुत अच्छे से निकाल देगा एंड एक गोल्डन ग्लो देगा। ठीक है, स्टेप सिक्स है हमारा फिनिशिंग क्रीम, पोन्स गोल्डन फिनिशिंग क्रीम विद ग्लिसरीन, विटामिन ए, विटामिन ए प्रोपरेंट, विटामिन बी थ्री एंड विटामिन ई, इट गिव्स यूथफुल एंड रेडियंट स्किन। फेस मास्क होता है ना जो हमारा, जो वैसे नॉर्मल लगाते हैं उसको, हाँ ठीक है टाइम हो गया उसको वॉश कर दो, बट इसको वेट करना। तो गाइस इसमें ना हल्का हल्का ना वाइट कलर का कुछ निकल रहा है, वो मेरे फेस में से निकल रहा है या फिर इस मास्क के अंदर है मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट तो गाइस मैं पूरा निकाल के उसके बाद आपसे मिलती हूँ ना। आपने पील को अच्छे से निकाल दिया है और आप मेरी नोज देख लें कितना अच्छा ग्लो कर रही है। सो मेरे पास है मेरा वेट वाइप, मैं इससे अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी एक बार। सिक्स है हमारा जो है फिनिशिंग क्रीम, तो इसको मैं लगा लेती हूँ। इन्होंने कहा है कि अच्छे से आपने थोड़ा सा लेना, जितना आप क्रीम लेते हो उतना आपने लेना है और अच्छे अच्छे से इसकी मसाज करनी है और अपने स्किन में इसको एब्जॉर्ब कराना है। जो हमारा पूरा किट है आप इसको 2 से 3 बार बहुत आराम से आपके फेस पे हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज की क्वान्टिटी अच्छी खासी ज़्यादा है एंड या और आपको ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा, ट्रस्ट मी। वैसे क्रीम तो है हमारी वाइट कलर की गाइस, में ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं गोल्डन कलर के, उसे आप शिमर शीन कुछ भी कह सकते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं एंड ठीक है आप कैमरा पे नहीं दिखेगा बट स्टिल वो है। और मैंने अपने फेस पर अच्छे से इसको लगा लिया है और मैंने फेशियल किया है, अभी रात हो रही है, मीन्स अभी 8 o'clock हो रहे हैं, तो मैं अब अपने फेस को नहीं वॉश करूँगी, मैं ऐसे सो जाऊँगी। और मैं भी सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आप डे टाइम में कर रहे हैं ना तो रात को जस्ट आप अपना फेस वाटर से वॉश करें, सोप नहीं लगाएंगे। एंड अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपनी फ्रेंड्स को ही बताओ, कॉज अगर उसकी शादी है, आपको किसी शादी में जाना है तो आप तब भी कर सकते हैं गाइस, कॉज अभी है वेडिंग का सीजन, शादियाँ हो रही हैं, सो आप अफोर्डेबल स्पेशल ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़ एंड ऑफ द वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया है, थैंक यू।